हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एमयू का जो हॉस्टल प्रोसेस है वो कैसा, मतलब क्या है, किसको मिलता है, पहले किसको मिलता है, क्या ये सही है कि जिसका जो है वेटिंग वाला है इसको नहीं मिलता है हॉस्टल, या बाद में मिलता है, क्या प्रोसेस है ना। जैसे कितना रैंक चाहिए तो आपको पहले हॉस्टल मिल जाएगा, है ना। एमयू में हॉस्टल किसको मिलता है इस पर हम लोग आज बात करेंगे, और कैसे मिलता है, पहले किसको मिलता है, बाद में किसको मिलता है, और उसके बाद जो बात करेंगे हम खर्चा, यानी कितना आपका खर्च हो जाएगा, यानी फ़ी, हॉस्टल फ़ी आपका कितना है टोटल, कितना इसका अलग से आपको पेमेंट देना होगा हॉस्टल में रहने के लिए, हॉस्टल में खाने के लिए, ये क्या है। और यहाँ मतलब ये भी बोला जाता है कि सब कुछ फ्री है क्या, क्या क्या चीज़ फ्री मिलता है आपको, ये सब इस वीडियो में बात करेंगे। मेन बात यह है कि आपको हॉस्टल कब तक मिल जाता है, और किस किस को मिलता है, वेटिंग वाले को मिलता है या नहीं मिलता है, रैंक क्या चाहिए जल्दी मिलने के लिए हॉस्टल, ये सब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटेल में, है ना। तो आप बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी पसंद आएगा, काफ़ी कुछ समझ में आएगा, जो है बहुत बढ़िया लगेगा ये वीडियो। हम काफ़ी अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में, ठीक है। गाइस, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि एक मैंने चैनल बनाया है SZGS करके, है ना, SZGS सेंटर, उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी पिंड कमेंट के रूप में आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ मैं आपको GS के जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में पढ़ाऊंगा। अभी ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगा मैं, क्योंकि मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, तो पहले ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, फिर बाकी सारे सब्जेक्ट, GK वगैरह सब कुछ आपका कवर होगा वहाँ पर। तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइज, क्या है ना कि अभी थोड़ा सा नया है तो चैनल, तो उसको सपोर्ट की थोड़ा ज़रूरत है, तो फिर उसके बाद जो है रिकमेंडेशन में वो आ जाएगा तो फिर खुद चलने लगेगा, है ना। तो थोड़ा सपोर्ट कर देंगे तो फिर वो चल जाएगा। गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और इस चैनल पर भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। चलिए स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइज, तो आप जैसा कि अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बेसिकली ये भी एक हॉल ही है ना, साउथ का जो है उसका पीछे वाला पार्ट है ना, इधर विक्टोरिया गेट के सामने। खैर, ये बात बाद में हम करेंगे, लेकिन देखिए सबसे मेन जो क्वेश्चन है कि हॉस्टल मिलता किसको, ये पहले मैं दूर कर रहा हूँ आपका, है ना। तो गाइज, मैं ये आपको अगर क्लियर करूँ तो हॉस्टल जो मिलने का, ये सबको मिलता है, सभी स्टूडेंट को मिलेगा जिनका एमयू में एडमिशन हो गया, जिसको इनरोलमेंट नंबर मिल गया, इनरोल जो हो गया एमयू में उसको हॉस्टल मिलेगा। कंडीशन ये है कि वो अगर फॉर्म फिल करते टाइम स्टूडेंट, और एडमिशन फॉर्म तो फिल करते टाइम भर देना ही होता है, एडमिशन के टाइम भी देना होता है हॉस्टल रिकमेंडेशन के लिए, आप हॉस्टल में रहना चाहेंगे या नहीं रहना चाहेंगे। तो अगर अब उसने दिया है कि नहीं हॉस्टल में मैं रहूंगा, हॉस्टल चाहिए मुझे, तो उसको मिल जाएगा हॉल, ठीक है। उन सभी स्टूडेंट को मिलेगा जिसने दिया था, यस किया था कि मुझे हॉस्टल चाहिए एडमिशन के टाइम और फॉर्म फिल करते टाइम। फॉर्म फिल करते टाइम नहीं भी हुआ तो एडमिशन के टाइम भी पूछता है, तो उस टाइम भी किए होंगे आप, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट का एडमिशन हो गया उनको हॉल मिल जाएगा। हॉल और हॉस्टल अलग अलग है ना, एक हॉल में काफ़ी सारे हॉस्टल्स में, और एमयू में टोटल 20 हॉल हैं। कितना हॉल है, 20 हॉल्स हैं एमयू में, 5 गर्ल्स के लिए, 15 जो है बॉयज़ के लिए, है ना। और एक हॉल में काफ़ी सारा हॉस्टल होता है, जैसे ये एक अलग हॉस्टल है, चार तरफ से चार बिल्डिंग बराबर है तो चार हॉस्टल हो जाएगा, है ना, इस तरह से होता है। ओके, तो यहाँ समझ गए आप किसको मिलेगा, उन सभी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सेलेक्टेड हैं या वेटिंग है, एडमिशन हो गया तो मतलब हॉस्टल आपको मिलेगा। समझ गए बात यहाँ तक आप, एडमिशन हो गया तो मिल जाएगा। एडमिशन होने के बाद सब लोग लगभग बराबर हो जाता है, जिन एमयू में खास करके कैंपस में सब लोग बराबर हो गया, मतलब सब लोग इंटरनल बन जाते हैं उसके अगले कोर्स के लिए, है ना। अगर आप एडमिशन आपका हो गया, चाहे वेटिंग में रह के हुआ है, सिलेक्टेड लिस्ट में रह के हुआ, ये उसके बाद एडमिशन हो जाने के बाद कोई नहीं पूछता, ये सिर्फ एडमिशन तक ही है कि सिलेक्टेड हूँ मैं, वेटिंग हूँ, है ना, इतना एडमिशन तक ही है, उसके बाद कुछ नहीं। अब बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया था कि जो है बहुत ज़्यादा खर्चा है उन लोगों को, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, लाखों रुपया खर्चा हो जाता है साल में। तो गाइज़, वो आपसे एक्चुअल में वो जेलस फील कर रहा है, वो नहीं चाह रहा है कि आप ऐसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में पहुँचे, आप जाके वहाँ पढ़ाई करें, वो नहीं चाहता, जो ऐसा आपको कह रहा है। बिल्कुल भी खर्च नहीं है, कुछ खर्च नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे खर्चा क्या है कि आपका एडमिशन का ही जो खर्चा है वही है, जैसे सब्जेक्ट के हिसाब से मान लेते हैं एडमिशन के टाइम आपका 10,000 लगा, ठीक है, किसी किसी सब्जेक्ट में 8,000 भी लगता है, 7 भी लगता है ना, ये 10,000 आपका लग गया एक साल के लिए। अब इस 10,000 में जितने भी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे आपका रहना हो, है ना, हॉस्टल फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी हो, कॉलेज हो, क्लासेज हो, ड्रामा क्लब हो, डिबेट क्लब हो, NSS हो, सोशल वर्क का कोर्स हो, NCC हो, जितने सारे कोर्सेज हैं, जितना कुछ फैसिलिटी है, वाईफाई हो, सब कुछ इस 10,000 में एक साल के लिए आपका हो गया, रहने तक के लिए सब। अब खर्चा क्या है, खर्चा जो है सिर्फ आपको हॉस्टल में 1200 रुपये पर मंथ जो है आपको डाइनिंग का फीस देना होता है, यानी खाने का। कितना,
1200 रुपये पर मंथ आपको खाने का फीस देना होता है, बस यही खर्च है 1200। कभी कभी डेफिसिट होने की वजह से ये 1200 ना होकर 100-200 रुपये एक्स्ट्रा लग जाता, तो वो अलग बात है, कभी कभी लगता है। बाकी हर महीने आपको 1200 रुपये पे करना है खाना खाने के लिए, 3 टाइम का खाना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ अलग अलग मिलेगा। अभी फैसिलिटी में हम बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है? तो समझ गया खर्च कितना, कोई फैसिलिटी, कोई आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है, हॉस्टल फी नहीं, सब इसी 10,000 में सब कुछ हो जाता है, सिवाय इस 1200 को छोड़ के। ओके समझ गए आप यहाँ तक। हॉस्टल मिलेगा किसको ये भी समझ गया, रैंक जरूरी कुछ नहीं। अब थोड़ा सा प्रोसेस की बात कर लेते कि पहले किसको मिलेगा हॉस्टल, ये भी ज़रूरी है। तो देखिए गाइज, यहाँ पे हॉस्टल का जो है ना थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। प्रोसेस अलग क्या है, जैसे ये आपका पूरा हॉल है, तो एक हॉल, जैसे ये आपका हॉल हो गया, ये हॉल, तो यहाँ एक छोटा सा ऑफिस होता है, इस ऑफिस को बोलते हैं प्रोवोस्ट ऑफिस। ये पूरा हॉस्टल जो है, पूरा हॉल जो है, इसका सारा काम इस ऑफिस में होगा। इस ऑफिस में ही आपको हॉस्टल मिलने से पहले यहाँ बहुत सारा काम रहता है। या क्या काम रहता है कि यहाँ जो ऑफिस वाला होगा, ये आपको एक बड़ा सा फाइल देगा, उसमें काफ़ी सारे फॉर्म्स होंगे, जो आपका इनवेलप वगैरह काम होता है ना, इनवेलप टिकट ये सब लगाना होता है जो, तो यहीं काम आता है सब। तो वो सारा फॉर्म आपको फिल करके एक बड़ा सा फाइल आपको बनाना होगा, जो फाइल आप वहाँ बता देगा क्या क्या भरना, आप खुद से भी भर लेंगे, अपना घर का एड्रेस, ये नंबर, वो नंबर, एडमिशन का रोल नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखा रहता है। ये फाइल जिसने पहले जमा किया है उसका जो है पहले अलॉटमेंट होगा बेड में, रूम में, ठीक है? ये फाइल जिसने पहले जमा किया, तो एडमिशन के बाद ये फाइल का काम होता है, समझ गए? तो ये फाइल नंबर आपको दिया जाएगा, फाइल नंबर कितना आपको इसी के हिसाब से मिलता है। तो ये फाइल जिसका पहले हुआ तो उसको आपसे पहले मिलेगा नंबर, है ना? ठीक है। तो अब यहाँ बात ये है कि किसी को मिलके बाकी लोग रहने जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर एक सेशन में 500 स्टूडेंट है, तो 500 का स्टूडेंट में से किसी एक का, इसमें से एक ने सबसे पहले कर दिया, ठीक है? उसके बाद 500, किसी का रैंक जो है फाइल जमा करने में 400, मतलब 400 लोगों के बाद किया, तो ऐसा नहीं है कि जो 400 लोगों के बाद किया उसको नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 1 महीना का टाइम लग जाएगा कि अभी मिल रहा है तो 1 महीना बाद आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा उस सेशन का सबको। आई होप कि आपका क्लियर हो गया, ठीक है? सब कुछ क्लियर होगा। ये हॉल का जो है, ये प्रोवोस्ट ऑफिस होता है, आपका सारा काम, कोई कंप्लेंट कुछ भी है तो सब यहीं होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो भी पता करना है, बन रहा है खाना, खाना खाने का फी जो कुछ भी है, सब इसी ऑफिस में काम होता है। ओके आई होप कि आप समझ गए यहाँ तक। अब जो है हम लोग बात कर लेंगे फैसिलिटी के बारे में। सो गाइज, फैसिलिटी के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट फिर से करना चाहता हूँ कि गाइज, मैंने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में चैनल का लिंक दे दिया है, उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसमें मैं बताया आपको, मैं जीएस पढ़ाऊंगा आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है, कोई भी जीके, कोई भी करंट अफेयर, सब कुछ वहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा अपने जो है ना, मैं खुद पढ़ रहा हूँ तो मैं पढ़ाऊँगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसका बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कभी भी उस पर नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुँच जाए सबसे पहले, है ना? आप देख लेंगे तो थोड़ा सा उनका जो है रिकमेंडेशन में वो आ जाएगा, फिर उसके बाद यूट्यूब खुद जो है रिकमेंड करता है। और गाइज, ऐसा कुछ तो मैं देखने को नहीं बोल रहा हूँ कि जो आपको बेकार लगेगा ना, तो आपका काम का ही, आप देख लीजिएगा उसको, काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी कुछ समझ में आएगा, ठीक है? तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। ओके तो चलिए अब बात कर लेते हैं फैसिलिटी का। तो गाइज, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी आपको दिया जाता है एक हॉस्टल में। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, खाना जो है आपका, डाइनिंग जो है ये बहुत बढ़िया बेहतर है। 3 टाइम का खाना जो है आपको 1200 रुपीज़ में मिलेगा, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, तीनों टाइम का, ठीक है? और तीनों टाइम अलग अलग होता है, ब्रेकफास्ट हर टाइम अलग होगा, लंच के भी अलग अलग होगा, हर दिन अलग अलग होगा, डिनर में भी हर दिन अलग अलग होगा। एक टाइम अगर लंच के टाइम वेज खाएं तो डिनर में नॉन वेज खाएंगे, जिसको नॉन वेज पसंद नहीं तो उसके लिए अलग होता है, हर चीज़ मिलता है यहाँ पे, हर दिन वेज नॉन वेज, वेज नॉन वेज अल्टरनेट करके फिर अलग अलग नॉन वेज वगैरह सब कुछ मिलता है, ठीक है? समझ गए। बाकी दूसरा फैसिलिटी, वाईफाई फ्री रहेगा, वाटर कूलर रहेगा, हर चीज़, वॉशरमैन सब कुछ, ये सारा फैसिलिटी जितना चाहिए एक अच्छा से रहने के लिए, एक अच्छा स्टूडेंट को जो कि ज़रूरत है, सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ बिल्कुल फ्री, कोई कॉस्ट नहीं, कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ फीस जो है 1200। काफ़ी फैसिलिटी है ना, प्ले ग्राउंड से लेकर कॉमन रूम जो होगा वहाँ पे आप मूवीज़ देख पाएंगे, है ना, बैठ पाएंगे शाम में जो है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी फैसिलिटीज़ के वीडियो में बता रखा है ना, सब कुछ वहाँ पर काफ़ी अच्छा से मैंने बताया था। ओके गाइज, तो आई होप कि आप सब कुछ समझ गए, फैसिलिटी क्या मिलता है, हॉस्टल किसको मिलता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वायरी आपका मन में अभी होगा, तो फिर भी अगर हॉस्टल को लेके कोई क्वेश्चन है आपका, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया यहाँ, जो मैं आपको सही से नहीं बता पाया, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा, ठीक है? सब कुछ आपको रिप्लाई होगा। जो भी आपको कभी भी बताए कि यहाँ बहुत खर्चा है, तो ये सब कुछ नहीं, फालतू है, वो गलत बता रहा है आपको, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत सही है, बहुत सही। यहाँ पे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में, ह्यूमेनिटी क्या होता है ना, रिस्पेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ आते ही समझ में आ जाएगा, है ना?
देख देख करके आप सीख जाएंगे कि बड़े से कैसे बात करते हैं, सीनियर से कैसे मिलते हैं, दूसरे का हेल्प कैसे करते हैं, किसी से हेल्प कैसे लेते हैं, किसी से कुछ पूछते कैसे हैं, किसी को कुछ बताते कैसे हैं। ये सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे रह के यहाँ, खुद आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इंग्लिश में परेशानी है, ये भी सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट आपको मिलता है यहाँ पर, ठीक है। इन्वायरमेंट जो इसको भी मिल गया, सब सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।